सांसद उनके क्या कर रहे हैं, आलू छिल रहे हैं क्या सात सांसद उनके? दिल्ली में सात सांसद दिए हैं, क्या करने के लिए दिए हैं? क्यों नहीं बोलते? एक भी सांसद गया हो बता दीजिए कि हमारे केजरीवाल जी जिनको तुम्हारी सरकारी एजेंसी चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या आपकी जो भी जितने भी डिपार्टमेंट है उन सारे से दो साल में जांच करवा ली और एक पाई का एक धेले का इनके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे और अपने घर पहुंचे। आज आप जंतर मंतर पर आए हैं, क्या लगता है कि केजरीवाल को इस महागठबंधन की जो रैली हो रही है इससे कोई फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, ये जनता दिखा देगी आज मोदी जी को कितना इनमें पावर है और उनको देखना पड़ेगा और आज यही जनता दिखाएगी और 227 उनको लात मार के खतरनाक बीजेपी को खदेड़ेगी। आपको लगता है कि ईडी सीबीआई के जरिए जबरदस्ती फंसाया गया है? एकदम फंसाया गया, बताइए जब सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दिया है तो आप काहे उसमें टांग लड़ा रहे हैं? आप जब क्लीन से उनका देखिए स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है, अभी कोई होनी हो जाए कौन जिम्मेदारी उनका लेगा? आप तो अपने बस खाली वोट बैंक के चक्कर में पड़े हैं कि भाई किसी की मौत हो जाए, कोई मर जाए, कोई जल जाए, उनसे कोई मतलब नहीं है, बस उनका वोट बैंक बना रहना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। दिल्ली में अभी यूपीएससी की तैयारी करने वाले तीन बच्चे मरे, भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। सात सांसद उनके क्या कर रहे हैं, आलू छिल रहे हैं क्या सात सांसद उनके? दिल्ली में सात सांसद दिए हैं, क्या करने के लिए दिए हैं? क्यों नहीं बोलते? एक भी सांसद गया हो बता दीजिए, एक भी सांसद क्यों नहीं बोलता है उस मुद्दे पर? ऐसे लोगों को तो क्या अभी आने दीजिए चुनाव, इनको बताएंगे 227 में। केजरीवाल को चुनाव के मद्देनजर जेल में रखा गया है? यह सही बात है कि क्योंकि इनके हमेशा उनको गलत ठालने के लिए रखा गया है कि दिल्ली की जनता की नज़र में वो गलत हो जाए और मेरी आने वाले चुनाव में हम अपना कुर्सी अपने आप कर ले। लेकिन ये होने वाली नहीं है, जनता ने जान चुकी है किस तरह से किसको फंसाया गया है, किस तरह से क्या किया जा रहा है, लेकिन इनको जनता भी देखिए 227 लाल मार के खदेड़ रही है। तो सारे भ्रष्टाचारी विपक्ष में ही है क्या? वही तो बोल रहा हूँ, उनके खिलाफ क्या हेमंत सोरेन वाटर घोटाला 45,000 करोड़ क्यों नहीं पकड़ते हैं? पर वो महाराष्ट्र के हैं अजीत पवार, वो क्या वो 9,000 करोड़ का घोटाला है उसके में गए धूले, उधर से भ्रष्टाचारी धूले, इधर से सदाचारी निकल गए, दूध के धूले हो गए, आ गए बीजेपी अब साफ सुथरा हो गए, उनके पर कोई नहीं ईडी है ना कोई सीबीआई है, बस है विपक्षियों पे जो जनता के लिए काम कर रहा है, जो जनता की आवाज उठा रहा है, जो महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहा है, उनके लिए बस कर उनको जेल की सलाखे है। कल संसद में राहुल गांधी ने बोला है कि भाजपा जिस तरीके से चक्रव्यूह बना करके लोगों को फंसा रही है और इसमें किसानों के लिए मैं बता रहा हूँ अपने दोस्तों के लिए तो लाखों लाखों कर्जा माफ कर ले, किसी भी गरीब किसान का, किसी भी गरीब मजदूर का, उन्होंने गरीबी पे, महंगाई पे, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे बात की हो तो बताए, वो कभी नहीं बात करती है, बस बात करेगी इधर से बात करेगी हमने क्या गरीबी मिटा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, गरीबी तो नहीं मिट पाती है लेकिन ये गरीबों को ही मिटा देते हैं। चले थे साहब गरीबी मिटाने, गरीबों को ही मिटा दिया और उज्ज्वला का सिलेंडर छज्जा पर रखवा दिया, तो गरीबी नहीं मिटाएंगे, गरीबों को ही मिटाएंगे और अडानी अंबानी का चेप भरेंगे अपना। तो दिल्ली में आपकी जो चुनाव होगा उसमें भाजपा को बहुमत मिलेगा? नहीं मिलेगा, देखिए दिल्ली की जनता अब जान चुकी है किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया गया है, अब की उनको 227 में बीजेपी को जो सीट पहले भी आ गई थी 5-6 सीट वो भी नहीं आने वाली उनकी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो बात कर रहे थे और बता रहे थे कि जिस तरीके से आने वाले चुनाव के मद्देनजर केजरीवाल को जेल में रखा गया है और आने वाले चुनाव में जनता इनको करारा जवाब देगी। आज जंतर मंतर पर आए हैं, किन मांगों के साथ आए हैं? हमारी तीन मांगे हैं। पहली मांग कि जो पिछले आजाद भारत में 75 वर्षों में किसी भी राजनीतिक दल ने इस तरह की राजनीतिक दुश्मनी नहीं निभाई वो राजनीति और वो दुश्मनी निभाना बंद करें। दूसरी मांग हमारी सबसे बड़ी है कि ये जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करना बंद करें और उनको जो है कंट्रोल में कर लें। तीसरी जो सबसे बड़ी मांग है कि हमारे केजरीवाल जी जिनको तुम्हारी सरकारी एजेंसी चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या आपकी जो भी जितने भी डिपार्टमेंट
पार्लियामेंटर, उन सारे से 2 साल में जांच करवा ली और एक पाई का, एक धेले का इनके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है। उन्हें बाइज्जत बरी किया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे और अपने घर पहुंचे, क्योंकि उनके बस का कुछ नहीं बचा है। 10 साल में उन्होंने पूरे देश का तहस नहस कर दिया है। ऐसा कोई राज्य नहीं है भारतीय जनता पार्टी के जो शासन में है, वो सारे के सारे राज्य आज की डेट में पूरी तरह से करप्शन में सर से पांव तक डूब चुके हैं। आपको जीता जागता उदाहरण देता हूँ, पिछले 3 महीने पहले जिस अयोध्या का डंका बज रहा था, आज वही अयोध्या खंडहर के रूप में जानी जा रही, खंडहर हो चुकी है। एक ही बारिश में सड़कें खड्डी हो चुके हैं, वहाँ के स्ट्रीट लाइटें उखड़ चुकी हैं, वहाँ का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा तहस का नहस हो चुका है। और तो और साहब, वहाँ का जो लोकसभा का उनका कैंडिडेट था भारतीय जनता पार्टी का, वो बुरी तरीके से भगवान श्री राम जी ने उसको हरा दिया है और एक पासी समाज के व्यक्ति को जिता दिया। धोखा दिया है तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। बिल्कुल, अयोध्या वासियों के साथ जो अन्याय अत्याचार पिछले वासियों ने धोखा दिया भाजपा, बिल्कुल नहीं दिया है। मैं वही ना, ये भाजपा कौन होती है, भाजपा कौन होती है अयोध्या का नाम आगे बढ़ाने वाली? अरे अयोध्या का नाम, इसका मतलब है कि सनातन धर्म में इनको विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सनातन धर्म में विश्वास नहीं है। अरे हमारे सनातन धर्म की किताबों को पढ़िए और उसमें देखिए अयोध्या का नाम। अरे जो भगवान राम की जन्मस्थली, उनकी जो है लीलाओं से भरी हुई अयोध्या, उसको ये भारतीय जनता पार्टी पहचान दिलाएगी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम राम को लाए हैं। अरे इनके औकात है राम को लाने की? अरे राम जो पूरी दुनिया को लाने वाले हैं, वो इनको ये लाएंगे। इसीलिए अरे तो ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, इनको अपॉर्चुनिस्ट कहते हैं। ये जो है मौका प्रस्त लोग हैं, इन्हें भगवान राम से नहीं लेना देना है, ना इन्हें अध्यावासियों से लेना देना है, इन्हें सिर्फ वोट बैंक से मतलब है। वो जगन्नाथ का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जगन्नाथ में उनको वोट मिला है, वोट बैंक उनका मिल रहा है। एक बात बताइए, अभी आपके सांसद राज्यसभा में कहते हैं कि जेल का बजट बढ़ा दो, अभी हम जेल में गए हैं, फिर आप जेल में जाइए, हमने जेल जेल खेला जाएगा। आदरणीय सांसद संजय सिंह जी ने जो है धनखड़ साहब को जो बताई बात, ये उन्हें चेतावनी दी है और ये चेतावनी ये है कि अब हमें जो है इतना ही विनती कर रहे हैं कि आदरणीय, बहुत जल्दी समय आने वाला है जिनके पर्दे के पीछे आप सपोर्ट करते हैं, यानी कि चहेते आपके नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी भारतीय जनता पार्टी, बहुत जल्दी इसी जेल के सलाखों में आने वाले हैं। उनकी सुख सुविधा बढ़ाने के लिए जेल का बजट बढ़ा दीजिए। हमारे कोई सहूलियत नहीं चाहिए, जेल तो आपके अंदर आता है, हमारे अंदर आता है। आपने लेटर नहीं पढ़ा है एलजी साहब का और जेल के जो कमिश्नर है उनको आपने नहीं देखा? वो रिपोर्ट किसको कर रहे हैं? वो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं, एलजी साहब को रिपोर्ट करते हैं। हमारे साहब को कौन करता है बताइए? कैलाश गहलोत पास तक कोई लेटर गया है? नहीं गया। और सर्विस, जब से सर्विस जो है सर्विसेस बिल जब से एलजी के हाथ में आया है, ऐसा कौन सा महकमा है मुझे एक बता दीजिए दिल्ली का जो एक महकमा हमारे ले इलेक्टेड मंत्रियों को रिपोर्ट करता हो? इसी का तो बवाल चल रहा है इस दिल्ली के अंदर, जो अभी हमारी तीन बच्चे अकाल मौत जिनकी हुई है, उसका कारण ही एलजी है, उसका कारण ही वो सर्विस बिल है। तो वो तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोगों ने साफ सफाई नहीं कराई, एमसीडी आपके पास है, सरकार में आप हैं। अच्छा एक बात बताइए, 6 महीने का पिछला 6 महीने का रिकॉर्ड देख लीजिए, द वायर ने और अभी 2-3 चैनल वालों ने उस पर एक बाकायदा प्रॉपर एक न्यूज बनाई है, पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड। उन 6 महीने में संबंधित डिपार्टमेंट से और चीफ जो नरेश जी हैं उनको लेटर कितनी बार लिखा है, एलजी को कितनी बार लिखा है, और तो और गृह मंत्रालय को लेटर लिखा है। वो सारे सबूत के हवा में है, वो सारे सबूत हवा में है। अरे एक बात बताइए, जिसके हाथ में ना तो ट्रांसफर करने का अधिकार है, जिसके हाथ में ना पोस्टिंग करने का अधिकार है, तो वहाँ का चपरासी भी क्या मंत्री की बात मानेगा? हमने कितनी बार बोला कि साहब ये काम करवाना है, किसको बोला जाता है? एक मंत्री किसको बोलेगा? संबंधित डिपार्टमेंट के चीफ को बोलेगा, और वो चीफ सुनता किसकी है? वो एलजी की सुनता है। एलजी कह रहा है कि इनका कोई काम नहीं करना है, यही उसका कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं है। अच्छा तो मुझे एक बात बताइए, आज यहाँ आप लोग धरने पर आए और कह रहे हैं आप लोग कि केजरीवाल को फंसाया गया है,
कैसे कह रहे हैं कि केजरीवाल को फंसाया गया? उनका आरोप है कि आपने शराब घोटाला किया है, आप कह रहे हैं फंसाया गया। ये हम नहीं कह रहे, पूरा देश कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है। बताऊं क्यों? पिछले दो साल में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स और जितनी इनकी तमाम एजेंसियां हैं और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इनके जो चेले चपाते हैं, जो जांच करने वाले, इन्होंने दो साल में सब कुछ खंगाल डाला। चार आना नहीं मिला। अगर चार आना मिला, मैं चैलेंज करता हूँ, ये ट्रायल पे लाने के लिए तैयार नहीं है। हमारे तीनों नेताओं को दो दो साल से जेल में डाल रखा है, आज तक इनकी चार्जशीट नहीं कम्प्लीट हुई, और अभी जब जमानत ईडी से मिल जाती है तो इनकी सीबीआई पर्दे के पीछे से निकल के आती है, आसमान से जैसे टपकती है वैसे आकर के उनको जो ये करती है। इनका कुल मिलाकर के मकसद सिर्फ इतना है कि केजरीवाल को किसी भी कीमत पर रोका जाए। वो राजनीति में सबसे बड़ा दुश्मन केजरीवाल को मानती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि केजरीवाल का कोई विकल्प ही नहीं है। अभी यही झारखंड में हुआ था, हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उनको जेल में बंद किया गया था, उसके बाद हाईकोर्ट ने ये कह के जमानत दी कि इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं बनता है। तो आप लोगों को लगता है कि सेम यही चीजें, सेम यही अरविंद केजरीवाल के साथ है? मैं आपकी जानकारी लिए सूचना दे दूं कि कल शाम को सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है सेम हाईकोर्ट का जो जमानत वाला जो रूल वो है, सेम वही उनको बरकरार रखा गया है। इसलिए इस पर टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो एजेंसियां हैं, जो उसकी चमचागिरी करती हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, ये सब जो है इनके करारा तमाचा मारा है हाईकोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी। और ये न्याय है, न्याय का तराजू हमेशा इक्वल रहता है। जिस दिन हमारा न्याय का पलड़ा भारी हो जाएगा, उस दिन ये सब जेल में दिखेंगे। ये अंतिम चेतावनी है पूरे देश की 140 करोड़ जनता। चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है क्या आप लोगों को? नहीं, हमें चक्रव्यूह में नहीं फंसाया जा रहा है, बल्कि अब जो है इंडिया, ना इंडिया गठबंधन चक्रव्यूह में फंसा रही है और इनके ही चक्रव्यूह में फंसा रही है। आप लोग एकलव्य है? तमाम पार्टी के, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, और जो इस समय यहाँ जंतर मंतर पर मौजूद हैं और साफ कह रहे हैं कि इन्हें फंसाया गया है, अरविंद केजरीवाल की जमानत जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि कोर्ट में यह मामला, और कोर्ट ने हर बार जमानत दी है, लेकिन उसकी दूसरी तरफ भाजपा लगातार सक्रिय हो जाती है और उनकी जमानत को रोक देती है, उनकी जमानत पर रोक लगा दी जाती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।